आप ना बेसिक बातें क्यों नहीं करते? हम लोग अजीत का हल्ला उठा रहे थे, किसने हल्ला उठाया? अरे गैस 1200 रुपए का हो गया, अरे आटा 40 रुपए से 60 रुपए हो गया, अरे तेल कितना, इसमें कोई बहस नहीं करते। ये बेसिक चीजें गरीबों की, इसमें क्यों नहीं बहसे? मैंने आपके कई इंटरव्यू में कहा है जिसकी लाठी उसकी बहस वाला सिस्टम होता है। अगर ये सरकारें अगर एक ही नज़र से सबके ऊपर कार्रवाई करे तो मुझे लग रहा है आधे बीजेपी के जो नेता है भ्रष्टाचार वो अभी जेल में बंद हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। अब ईमानदार तो कट्टर ईमानदार तो यही था केजरीवाल भी, तो अब आप चीज़ों के सामने आ गई है ना, तो मैं इस चीज़ को व्यक्त करूंगा कि सारी पार्टियां ईमानदार क्यों नहीं बोलती? उन्हें पता हम बेईमान है यार, भ्रष्टाचार है, हम ईमानदार नहीं बोल सकते। ये तो केजरीवाल ने ईमानदारी का अभी 45 करोड़ रुपए का बंगला खोल दिया, 21 करोड़ का स्विमिंग पूल बना लिया। तो कानून व्यवस्था आपके जिस दिन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, हमें ना किसी मंत्री की ना संतरी की जरूरत पड़ेगी। ये पब्लिक इतनी क्षमता, महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, आपको क्या लगता है सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमारे हिसाब से अगर कोई भी गलती करता तो वो सजा का हकदार है, परंतु हम ये नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि महिला हमारी भी है या किसी की भी है, परंतु ये देखा गया है स्पोर्ट्स में खास करके पार्शलिटी होती है और उनके साथ अत्याचार भी होते हैं। ब्रजभूषण सिंह भाजपा के सांसद हैं, उन पर आरोप लगे हैं, क्या लगता है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है भाजपा? वैसे भाजपा को ये कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, जैसे योगी जी ने अभी जो अतीक जी थे उन थे उन अतीक वगैरह जो भी थे उनके खिलाफ जो कार्रवाई की वो बहुत अच्छी लगी। अच्छा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ही गलत काम किए हैं और आदमियों के मर्डर पता नहीं कितने केस उन्होंने राजनीति के बल पे हर आदमी को परेशान कर दिया था और उनके साथ जो भी हुआ योगी जी ने जो कराया वो बहुत अच्छा कराया और इसी तरीके से जैसे वो करते आ रहे हैं, अगर जो पहलवानों के खिलाफ जो अत्याचार है उस पर भी थोड़ा एक्शन ले तो बहुत अच्छा होगा। सर थोड़ा क्यों, उन्हें पूरी तरह से एक्शन लेना चाहिए, इसमें आप मतलब दबा के क्यों बोल रहे हैं इस बात को कि थोड़ा एक्शन नहीं? नहीं, अगर वो थोड़ा सा भी वो कर देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा क्लू होता है। अच्छा। क्योंकि जैसे उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा पता नहीं कितने सालों से चलता आ रहा था और उन्होंने एक मिनट में ख़त्म कर दिया, तो थोड़ा सा उन्होंने प्रयास किया। अब ये जो 370 जो लगाई गई थी, क्या हम इंडिया के नागरिक नहीं कि कश्मीर में जाकर कहीं भी रह सकते हैं? हमें जमीन खरीदने का कोई अधिकार नहीं था, परंतु 370 उन्होंने हटाई, बहुत अच्छी हटाई। इसी तरीके से जैसे वो कार्रवाई करे इस मामले भी ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करें और इसको जो सच्चाई है चाहे कुछ भी है उस सच्चाई को सामने लाएं और पहलवानों के खिलाफ जो भी गलत हो रहा है उसमें इतना डिसीजन ले कि जैसे और डिसीजन लगे ये भी डिसीजन ऐसा लिया जाना चाहिए। ये जिस तरीके से महिला पहलवानों ने आरोप लगाए हैं बीजेपी के जो सांसद हैं ब्रजभूषण सिंह उन पर, क्या लगता है आपको बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? देखिए ऐसा है मैडम, अपना चक्कर के जो केंद्र में है या राज्य में, मैंने आपके कई इंटरव्यू में कहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम होता है। अगर ये सरकारें अगर एक ही नज़र से सबके ऊपर कार्रवाई करे तो मुझे लग रहा है आधे बीजेपी के जो नेता भ्रष्टाचार वो अभी जेल में बंद हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो कहते हैं हमारे नेता ईमानदार हैं, बिल्कुल ऐसा है मैडम, जब तक वो लोग, अब ईमानदार तो कट्टर ईमानदार तो यही था केजरीवाल भी, तो अब आप चीज़ों के सामने आ गई है ना, तो मैं इस चीज़ को व्यक्त करूंगा कि सारी पार्टियां ईमानदार क्यों नहीं बोलती? उन्हें पता हम बेईमान है यार, भ्रष्टाचार है, हम ईमानदार नहीं बोल सकते। ये तो केजरीवाल ने ईमानदारी का अभी 45 करोड़ रुपये का बंगला खोल दिया, 21 करोड़ का स्विमिंग पूल बना लिया, तो ये ईमानदारी सामने आती। ऐसा है मैडम, कोई भी सरकारें होती हैं वो अपने पक्ष को बचाना चाहती है, कभी भी वो हैवी नहीं होंगी किसी पार्टी पे भी। तो यही मेरा कहने का मतलब, अभी पीछे हम बड़ा हल्ला मचा रहे थे आपके प्रेसों पे, रिपोर्टर अतीत मार दिया अतीत मार दिया। मैडम सबसे बड़ा जुर्म किसने करा आपको पता है? किसने करा? प्रेस रिपोर्टर बताइए ना मेरे को, वो तो कुछ नहीं था, गुंडे थे, गुंडों ने मार दिया। सबसे बड़ा जुर्म कौन किसने करा है? किस संविधान पे बैठे हुए थे 10 जजेस, उसके खिलाफ योगी ने एक्शन क्यों नहीं लिया अभी तक? मोदी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, हाई कोर्ट के जज, जब हाई कोर्ट के जज ही डर जाते थे गुंडों से डर जाते, उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं होती, कोई उसके ऊपर उसका नाम क्या संविधान नहीं होता। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूंगा कि उन जजेस को लाइए ना, हमने इतनी सैलरी, हमारे टैक्स से सैलरी जाती है मैडम, ऐशोराम करने के लिए नहीं देते, हम अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं कोर्ट में कि शायद जज हमारी सुनेंगे। 20-40 साल एक केस में लग जाते हैं, हमारे को मर जाते हैं लोग, केस ही चलते रहते, ये हमारा लंगड़ा लूला कानून हो गया। वो तो अच्छा करा, गुंडे ने गुंडे को मार दिया, इसमें योगी जी क्या करेंगे, मोदी जी क्या करेंगे, अजीत था
डंडे ने गुंडों को मारा, खत्म कहानी। इसमें योगी है, मोदी है, राहुल, तो दिस इज नॉट मैटर। मैडम हम कहाँ जी रहे हैं? हम इंडिया में, दुनिया चांद पे पहुँच गई है, हम लोग नीचे ही रह रहे हैं अभी तक। आगे की सोच के चलो। आप लोग बड़ी बड़ी बातें करने जानते, ग्राउंड की बातें क्यों नहीं करते? आप ना बेसिक बातें क्यों नहीं करते? हम लोग अजीत का हल्ला उठा रहे थे, किसी ने हल्ला उठाया, अरे गैस 1200 रुपये का हो गया, अरे आटा 40 रुपये से 60 रुपये हो गया, अरे तेल कितना, इस पर कोई बहस नहीं करते। ये बेसिक चीजें गरीबों की, इस पर क्यों नहीं बहस करते? बीजेपी तो कह रही है ना कि सभी देशों के लिए महंगाई है, सिर्फ इंडिया के लिए थोड़ी ना महंगाई है। नहीं, महंगाई मैं आपको कह रहा हूँ महंगाई है, 45 करोड़ रुपए अगर ये गरीबों पे लगा देते हैं, ये 800 करोड़ का हवाई जहाज ना खरीद पे गरीबों पे लगा देते हैं। आप अपने ऐशो आराम पे थोड़ा खर्चा कंट्रोल कर लीजिए, आप अपनी रैलियों पे कंट्रोल। अब तो सोशल मीडिया मैडम, अब अपना रैलियाँ करने की जरूरत क्या? अब पब्लिक बोलती है नरेंद्र मोदी जाएंगे, तो अच्छी बात, हम तो कहते हैं लोगों के टैक्स का पैसा बचेगा, टाइम बचेगा। नरेंद्र मोदी जी 5 साल के 50 साल रहे, हमें किसी पार्टी से, हमारे साथ वो सरकार अच्छी है जो पब्लिक के बेस के लिए काम करे, पब्लिक के गरीबों की बात सुने, अपनी ऐशो आराम के लिए ना सुने। सर क्या लगता है आपको, इन महिलाओं की बात कब तक सुनी जाएगी जो जंतर मंतर पर बैठकर प्रदर्शन कर रही हैं? देखिए अभी ये जो अब बीजेपी का अभी ये सामने जो भी इनका नेता है, अभी मैडम इसको थोड़ा बहुत तो मीडिया में उछाल होगा, जब कोई नया मुद्दा आपके सामने आ जाएगा तो ये भी ना एक चीज अतीत की तरह दब जाएगी। लेकिन मीडिया तो ये कह रहा है ना कि शीश महल वाले मुद्दे को छुपाने के लिए जो केजरीवाल का ये मुद्दा उठाया जा रहा है। नहीं 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 नहीं, देखिए ये तो मुद्दा जो आपका जो ये लड़कियां बैठी हुई हैं आज से नहीं, महीने दो महीने तीन महीनों, ये तो मुद्दा आज केजरीवाल का एक हफ्ते से वो उठाया है जो बंगले पे पैसा लगा रहे हैं। तो मैडम अब ऐसा है, लोगों ने बड़ी सेवा कर ली, उन्होंने कहा बड़ा फरीका बांट लिया, कुछ मैं भी अपनी ज़िंदगी का ऐशो आराम कर लूँ, साल दो साल का मेहमान मैं और हूँ, क्योंकि पढ़ी लिखी जनता जाग गई है। उसने कहा फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन बहुत बांट दिया, अब ये पब्लिक फ्री के चक्कर में आने वाली नहीं है, समझ गए। तो ये मुद्दे भटकाने वाली बातें होती हैं। तो उन्होंने जो 45 करोड़ रुपये खर्चा, मैं ये सारी जनता खड़ी है, कौन सी चीज़ जनता को फ्री दी है इसने? एक भी इंसान हाथ खड़ा कर दे कि हमें लाइट फ्री था, पानी फ्री था। हाँ, आप जैसे लेडीज़ हैं ना, आपकी रेपुटेशन जरूर ख़राब कर दिए कि 1 लाख रुपए 50,000 रुपये की आप शॉपिंग कर सकते, 10 रुपए की टिकट नहीं खरीद सकते। हो देश या हम दिल्ली से बाहर जाते हैं, कहते दिल्ली के भिखारी हो तुम तो। मैंने कहा दिल्ली के भिखारी का, लाइट फ्री, पानी फ्री, आपको बस फ्री, और गुरुद्वारा तो सालों से फ्री है, फिर तुम मोदी को रोते क्यों? नौकरियां दो, नौकरियां। हो देश यार, हम कहाँ इंडिया में रह रहे हैं? आपका इंटरनेशनल न्यूज है, पूरा मीडिया बाहर देखता, हंसी उड़ाते होंगे हमारे यार। क्या ये 10 रुपये नहीं है लेडीज के पास? 50,000 रुपये सेल दे लेती है, 1-1 लाख रुपये की शॉपिंग करते। ये मैडम आप ना इस राजनीति को चेंज करिए, अभी ये राजनीति नहीं, इन लोगों ने दुकानें खोल ली। अच्छा केजरीवाल 500 करोड़ खर्चेगा, तो नरेंद्र मोदी इतना करोड़ खर्च, ये दुकानें खुल गई हैं। इज द नॉट राजनीति, इज द बिजनेस। मैंने कई चैनल पे बोला अब ये बिजनेस करने आते, मैडम 5-5 करोड़ की टिकट, ओ यार शर्म आती है। वो कहते हैं इलेक्शन थोड़ी लड़ने आए यार, हम तो बिजनेस करने आए, 5 करोड़ की टिकट लेंगे, 50 हो जाएंगे, हम भी चल देंगे। क्या लग रहा है बीजेपी विकास कर रही है भारत में कि नहीं कर रही? देखो मैडम, विकास तो हर सरकार जो भी आती है करती है, वो तो अगर विकास नहीं करेगी तो जनता वोट कैसे देगी? तो ये तो देखो, अभी जो आप कई बार हम बहसों में यही कहते हैं, नरेंद्र मोदी आएगा, राहुल गांधी आएगा, केजरीवाल, इस मुद्दे को हटा के हम बेसिक मुद्दों पे क्यों नहीं आते? आपको क्या लगता है सर कौन काम करेगा, आप ये बताइए। देखिए काम तो ये तो 140 करोड़ जनता देख रही है, किस चीज़ से वो 2-8-10 सालों में परेशान है, वो 500 रुपये का सिलेंडर आज 1200 रुपये का खरीद रहे, या और चीज़ों के ऊपर महंगाई है। देखो महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ी चीज़ होती है, जब ये सरकारें आती है, अरे मैं 2 करोड़ नौकरियाँ दे दूंगा, 4 करोड़ चले गई आई तो नहीं। लेकिन बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में तो कहीं नहीं कहा कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो मैंने फिर ये जुमले की सरकार है जो ये टीवी इंटरव्यू में कहते हैं, जैसे अमित शाह जी ने कहा था, या मोदी जी ने कहा था, या केजरीवाल, कोई भी सरकारें हो, इज द ओनली बिजनेस। अब जो हम सरकार जो देख रहे हैं मैडम, हम भी इंदिरा के टाइम राजनीति देखते थे, नॉर्मल होते, बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी जी की राजनीति थी, नॉर्मल राजनीति, ऐसी गंदी लैंग्वेज हो, कोई सांप कह रहा है, कोई भिखारी कह रहा है, कोई तड़ी पार कह रहा है, कोई क्या, कैसी लैंग्वेज है यार। हम लोग बाहर जब इंटरनेशनल मीडिया में देखते होंगे, लोग कह रहे हैं अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा बोल, हाँ हमारी लड़ाई है, हम रोजगार पे लड़े प्रधानमंत्री से, भ्रष्टाचार पे लड़े, वो बेसिक सम्मान से, सम्मान होना चाहिए। 140 वो अच्छी बात है, किसी को नहीं पसंद, मेरे विचार नहीं बीजेपी से मिलते, जहाँ अच्छा काम करते हम समर्थन भी करते। चलिए योगी जी ने क्या करा, इनकाउंटर करा, गुंडा बदमाशी कर, मगर मैडम ये थोड़ी जो दो तरफा वाली राजनीति ना हमारे दिमाग से, वो 10 जजेस क्यों बैठे हैं अभी तक, उन पर इंक्वायरी योगी जी क्यों नहीं कर? डर लगता है,
डर लगता है आपको? जजेस से डर लगता है? क्यों डरते हैं आप? उनसे पूछे, अगर जजेस डर रहे तो मैडम ये नॉर्मल आदमी तो कोर्ट में तो इंसान वैसे ही मर जाएगा। अभी आपने पीछे देखा होगा 10 दिन पहले साकेत में गोली चल गई कोर्ट में, एक लेडीज़ के गोली में। तो कानून व्यवस्था आपके जिस दिन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, हमें ना किसी मंत्री की ना संतरी की जरूरत पड़ेगी। यह पब्लिक इतनी क्षमता है। जय हिंद, जय भारत।